आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि गूस्ट रन कैसे किया जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें गूस्ट बनाना सिखाया था, यानी हमने विंडो की और फिर सारी इंस्टॉलेशन कर ली, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमने एक उसका इमेज क्रिएट कर लिया था अपनी सी ड्राइव का, ताकि जब दोबारा हमें विंडो करनी पड़े तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हर विंडो क्या करनी, क्योंकि उसमें विंडो भी हुई है और सारी इंस्टॉलेशन हुई हुई है। तो पहला जो मैंने इमेज या गूस्ट क्रिएट किया था वो DLC बूट के ज़रिए था, लेकिन आज मैं गूस्ट जो रन करूँगा वो DLC बूट के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन मैं DLC बूट के ज़रिए नहीं करूँगा। मैं एक और टूल है उसके ज़रिए करूँगा, और ये बिल्कुल एक छोटा सा कुछ MB का है, तकरीबन ये 3 MB तक होगा या 3 MB से कम होगा। मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ, और इसके लिए सबसे 2.76 MB का। तो सबसे तो पहले मैं लगाता हूँ अपनी एक जी, तो मैंने USB इंसर्ट कर दी है, और USB सामने आई है या नहीं, कनेक्ट हुई है या नहीं, ये भी ज़रा देखते हैं। मेरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हुआ था, एक तो गर्मी भी है, और गर्मी के उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा बस गर्मी की वजह से भी स्लो हो जाता है, अभी भी स्लो हो रहा है। और अभी USB डिटेक्ट हो गई है जी, नहीं मैंने दोबारा एक दफ़ा उसको करने की कोशिश की तो USB डिटेक्ट हो गई है। अच्छा, जो आपके पास दो फाइल्स होंगी, इसको मैंने स्क्रैच कर लिया है पहले से, एक है फॉर्मेट USB और दूसरी है USB बूट नॉर्दर्न बूस्ट। सबसे पहले तो आपने खोलनी है फॉर्मेट USB। अच्छा, USB फॉर्मेट खोलनी है तो इसके अंदर एक टूल है फॉर्मेट टूल, ये आपकी जो USB है या पेन ड्राइव है उसको फॉर्मेट करेगी, और ये जब भी ज़रा रन हो जाए तो फिर इसके बाद हम देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास हो सकता है फैट आए, वैसे इसमें तीन ऑप्शन आते हैं फाइल सिस्टम में, तीन ऑप्शन है FAT32, NTFS और FAT। तो आपने रखना है FAT32, और ये डिवाइस उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, जैसे ही हमने या USB लगाएंगे वो फौरन डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, तो बाकी ये वाली जो दो ऑप्शन है, एक है फॉर्मेट डिवाइस और एक है क्रिएट डॉस स्टार्टअप डिस्क। तो फॉर्मेट डिस्क के ऊपर आपने चेक रखना है कि आपने ये जो डिवाइस है आपने फॉर्मेट करनी है, और क्रिएट ए डास्क। अच्छा, यहाँ पर आपने एक फोल्डर देना है, जो दूसरा जो फोल्डर है इसके अंदर एक पाथ देना है आपने, ये वाला बूट वाला। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो ये एक आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, और मैंने आते आसानी के लिए डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल सेव कर ली थी। तो बूट नॉर्दर्न बूस्ट, इसको आपने डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद ये बूट का आपने वो सिर्फ पाथ देना है, और इसको आपने कर देना है स्टार्ट। ये पहले चेकिंग करेगा और साथ ही आपको वार्निंग देगा कि आपका डाटा बढ़ जाएगा, यानी आपकी USB में पेन ड्राइव में जो भी डाटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं, हमने इसको करना है फॉर्मेट। अच्छा, डिवाइस मीडिया इज राइट प्रोटेक्टेड, ये आपको एरर हो सकता है, तो एरर आए तो कोई मसला नहीं है, आप एक दो दफ़ा करके देखें, अगर तो हो जाता है सॉल्व ठीक है, नहीं तो आप उस डिवाइस को एक दफ़ा उतार कर दोबारा लगाएं, उसके बाद ही आपका मसला जो है ये हल हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी फॉर्मेट मैंने इसको डिवाइस को एक दफ़ा उतारा है, और उतार के इसके बाद दोबारा मैंने लगाया, और दोबारा लगा के एक दफ़ा फिर मैंने उसको फॉर्मेट किया था, तो अब ये मैसेज दे रहा है कि ये जो पढ़ना है, पढ़ना तो हमें क्या पढ़ना था, हम अंडर मैट्रिक लोग क्या पढ़ सकते हैं। तो ये अगर किसी को पढ़ना आता है तो पढ़ ले, नहीं आता तो बस ओके कर ले, और इसके बाद इसको कर देना है क्लोज, इसका हो गया काम ख़त्म। और अब आना है आपने दूसरे फोल्डर में, दूसरे फोल्डर में आने के बाद आपने इसको करना है Ctrl+A, यानी सिलेक्ट ऑल, ये सिलेक्ट ऑल करना है, तो इसके बाद करना है Ctrl+C, या इसको यहाँ पे आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, और आपने जाना है जी इधर इस ड्राइव में आना है, और इस ड्राइव में आने के बाद आपने इसको करना है पेस्ट। अच्छा जी, ये तो सारे के सारी फाइल इसमें आपने पेस्ट कर देनी है, इसी में ही अब दोबारा जो आप गूस्ट चलाएंगे, गूस्ट रन करेंगे, तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन तो कैप्चर नहीं कर सकता, तो उसको मैं मोबाइल पे करता हूँ, और मोबाइल में करने के बाद आपको बाकी चीज़ें वहीं पे बताता हूँ। तो मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने लगा हूँ, और रीस्टार्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है जी, कि एक काम करना है कि इसका जो फर्स्ट बूट है, फर्स्ट बूट करना है जी, हमने जो USB है उसको करना है। तो मैंने एक हाथ में मोबाइल उठाया हुआ है और बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ, और इसके बाद जो आपका बटन का होता है, यानी BIOS में आने का ऑप्शन, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, मेरे पास तो F2 है। तो जैसे ही ये रीस्टार्टिंग होती है तो मैं इसको F2 प्रेस करना शुरू कर देता हूँ, और मोबाइल हिल रहा है तो इस मोबाइल को अवॉइड ही करें। मेरे पास डुअल डिस्प्ले लगा हुआ है, इसलिए जो है जो प्राइमरी डिस्प्ले है वो इधर आ रहा है।
वैसे मेरा सारा काम इस मॉनिटर पे होता है। अच्छा, इस पे आने के बाद ये सबसे पहले ये देखें, मैं भी मोबाइल के अंदर ही देख रहा हूँ ये जी बूट सीक्वेंस। अच्छा, बूट सीक्वेंस में देखें ये जी यूएसबी डिवाइस स्टोरेज, और ये मेरा पहले से ही सिलेक्ट था इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसको करता हूँ जी एग्जिट। अगर ना हो तो आपने फर्स्ट जो है आपने इसको करना है यूएसबी स्टोरेज, फर्स्ट में आपने ये करना है। और बायोस हर कंप्यूटर के अलग अलग होते हैं, मेरे पास तो इस टाइप के हैं, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। और एग्जिट करने के बाद अभी ये दोबारा रिस्टार्ट होगा और ये साथ ही आ जाएगा जी के भाई देखते हैं आते हैं या नहीं आता, चले आगे देखते हैं। और ये जल्दी आ जाए, मैं मोबाइल मैंने एक हाथ में उठाया हुआ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए मैं प्रॉपर ये पूरी लाइव कर रहा हूँ, यानी सारे का सारा मेथड जो है वो बता रहा हूँ कि इस तरीके के साथ होगा। अगर तो विंडो शुरू होगी तो इसका मतलब है नहीं, अगर विंडो शुरू होगी तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका जो यूएसबी है वो सही बनी नहीं है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम होगी, मुझे अब याद नहीं रहा और मेरे पास सिस्टम 4 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जब इमेज क्रिएट करते हैं डिस्क तो उसको करते हैं 2 इमेज, लेकिन जब गूस्ट क्रिएट करते हैं तो 2 इमेज करना है। पहले आपने आना है लोकल, लोकल के बाद आने के बाद आपने आना है पार्टीशन में, पार्टीशन में आने के बाद 2 इमेज अगर आपने जो है गूस्ट क्रिएट करना है, लेकिन जब गूस्ट रन करना है तो फ्रॉम इमेज, तो हम फ्रॉम इमेज में आते हैं। और ये बड़े ध्यान से करना है आपने, क्योंकि गलत ड्राइव में अगर कर दिया तो आपका सारा डाटा बढ़ जाएगा। अब मैंने बाकी हार्ड ड्राइव उतारी नहीं है तो मैं पहले देखता हूँ कि मेरा गूस्ट पड़ा किधर है। ये मेरी डी ड्राइव है, और क्योंकि यहाँ पर ड्राइव्स के नाम चेंज हो गए हैं, ये कौन सी ड्राइव है ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और अभी ये चेक कर लेते हैं, ये जी नॉर्दर्न गूस्ट न्यू यही है, तो ये वाली एक्जी है जी। और एक्जी इसको हमने करना है ओके, एक्जी हमने सेलेक्ट की। अब ये पूछ रहा है कि आपने इस एक्जी को रन कहाँ पे करना है। अब रन करना ये जो है पहला तो कोई इतना मुश्किल नहीं था काम, यानी गूस्ट हमने ढूंढा कि गूस्ट पड़ा किधर है, लेकिन अब चलाना किधर है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो अब पहले हम इसमें देख लेते हैं जी, और अगर यहाँ से ज़रा सा भी कोई लापरवाही होगी तो आपका सारे का सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। अच्छा जी, इसका नाम नहीं शो हो रहा, और ये आपको तो ऐसे एमबीज में शो हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन एहतियात सबसे बेहतर होती है। तो मैं बाकी अपनी हार्ड ड्राइव है उनको मैं करने लगा हूँ जी निकाल के, तो फिर इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा। और मैंने जो अपनी बाकी हार्ड ड्राइव हैं वो उतार दी हैं, सिर्फ जिसमें घूस पड़ा हुआ था वो, और सी जो मेरी मैन डिस्क है ये मैंने सी रखी है, जिसके अंदर मैंने घूस रन करना है, और जहाँ से मैंने घूस उठाना है वो ड्राइव लगी हुई है। और इलाज एहतियात से बेहतर नहीं, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो इसलिए एहतियात कर लें, क्योंकि आपका ज़रा सी एक लापरवाही सिर्फ एक क्लिक से भी आपका सारा का सारा प्रोग्राम बढ़ सकता है। ये तो मैंने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया, और मैं आऊँगा लोकल में, लोकल में आने के बाद करना है हमने पार्टीशन में, और पार्टीशन में आने के बाद फ्रॉम इमेज। तो इस दफ़ा तो हमारे पास सिर्फ 2 हार्ड ड्राइव ही हैं, और एक आई थिंक ये वाली है दिस वन, ठीक है, इसके अंदर है जी मैंने एक नॉर्दर्न गूस न्यू, तो इसको हमने करना है ओके। और ओके करने के बाद अभी आपको ये बता दिखा 3 रहा है, लेकिन ये है 2 ही है, क्योंकि वो जो होती है बाज दफ़ा जो वो एक हो जाती है कि वो छोटा सा एक कुछ एमबी का बन जाता है, तो इसमें यही है। तो ये है जी मेरे पास कंफर्म यही है कि मेरी सी ड्राइव यही है, तो इसको मैं करता हूँ ओके। और ओके करने के बाद ये पूछ रहा है हाँ भाई क्या करना है, प्रोसीड विद पार्टीशन रिस्टोर, और यस। और अगर इस दफ़ा मैंने अगर इसकी जगह मैंने कोई भी एक की होती तो ये सारे का सारा मेरा प्रोग्राम बढ़ जाता। तो जब ये गूस रन हो जाएगा तो गूस रन होने के बाद ये पूछेगा कोई रीस्टार्ट करना है या क्या, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे पूछेगा भाई आपने इसको रीस्टार्ट करना है या नहीं करना। तो मैंने बस इसको एक दफ़ा क्विट कर देना है और यूएसबी निकाल लेनी है, यूएसबी निकालने के बाद देखना है कि हमारा गूस अपनी पुरानी हालत में आ चुका है
और इंशाल्लाह अजीज आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कि हम गोश्त कैसे रन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये सारा गोश्त कंप्लीट हो चुका है, तो आपने रीस्टार्ट करना है या कंटिन्यू करना है। तो मैं भी रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ और कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, और उसके बाद करता हूँ क्विट, और क्विट करने के बाद करता हूँ यस, और यस करने के बाद मैंने यूएसबी उतारनी है, और यूएसबी उतार के एक दफा कंप्यूटर ऑन करूंगा तो मेरा कंप्यूटर जो है वो पहले अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो ये देखिए, मेरा सारा का सारा कंप्यूटर वापस रिस्टोर हो गया है, और ये एक घंटा लगा, तकरीबन एक घंटा लगा है, और एक घंटे में मेरा जो तकरीबन एक से दो दिन का काम होता है, जिसमें विंडो करना, सारे विंडो को अपडेट करना, वो सारे का सारा है। और अपडेट भी जो है जिस हालत में हमने जिस टाइम पे हमने अपडेट किया था, अगर उसके बाद कोई अपडेट आई हुई तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये मेरे पास बाकी सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे अपनी असल हालत में आ चुके हैं। और पहले जो हमने बनाया था, एक आपको ये एक वीडियो बनाई थी, उसमें डीएलसी बूट के जरिए क्रिएट किया था गोश्त, और इसके जरिए भी जैसे हमने देखा, आपने देखा है वीडियो में कि जब गोश्त रन किया है तो फ्रॉम इमेज किया है। लेकिन अगर आप इसी टूल की मदद से गोश्त क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ सिंपल टू इमेज करना है। तो ये थी आज की वीडियो, और फिर अगली किसी और वीडियो में मुलाकात होती है।